let's welcome the one and only Javed Sheikh. Thank you very much for coming. Thank you so much. Please, aaiye. Tashreef rakhiye. Should I sit here or here? Anywhere you want to. Okay. Thank you. Sheikh Sahib, I'm so happy that you're on my show today. Really? Kaise hain aap? Khairiyat se? Alhamdulillah. All good? Absolutely. Always good. You know that. Yes, wonderful. Aap to BOL pe ek regular show bhi kar rahe hain. You're very familiar with it. Yeah, I'm enjoying that. Okay, lovely. Janab, main aapko ye batata chalun ki kuch log hote hain jo mehnat karna zindagi mein kabhi nahi chhodte. And they are always evolving, changing themselves, and they love this work that they do. Aur wo unke kaam se nazar aata hai. Dekhte hain hamari next guest kaun si. Sufi. To Janab, please welcome Sana Fakhar. Look at you, Sana. Hi. Look at you, looking you? Gorgeous. Looking gorgeous. Thank you. Please have a seat. Hi. How looking lovely. Please, baithi. Itni zabardast taiyari. Matlab main to ab wo kehte na ke stars hi stars nazar aa rahe hain aapko dekh ke. Kya baat hai yaar. Thank you so much. स्टार को ऐसा रहना चाहिए. हाँ, ये तो शेख साहब का मैंने हमेशा से देखा है. You know what, Sana? This. So he's my mentor. Yes, I know. How you can say that? It's all from here. I know, and not only yours, we all have learned a lot from him. मतलब मैंने तो जब अपना करियर शुरू किया तो मैं सोचता था वो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको मैं देख के ये सोचूं कि यार मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे ये बनना है, मुझे यूं करना है. तो ही इज वन ऑफ देम. And of course, Sheikh Sahib, we all love you very much. Thank you. Thank you very much. अच्छा जनाब, शेख साहब ये बताइए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? जो मेजर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? बोल का है, पाकिस्तान स्टार. पाकिस्तान स्टार, उसमें बहुत से आप जो स्टार्स उनको सिलेक्ट भी कर रहे हैं. जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं, हमजा और कुबरा उसमें है, और वीना मलिक उसमें है. तो और आजकल उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और दिन रात हम उस पर लगे हुए हैं. और ये मैं एक बात कहूँ कि जब वो लड़के और बच्चे बच्चियाँ आते हैं ना शो पे, तो मुझे देख कर बेहद खुशी होती है उनको कि एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है, एक उम्मीद. कोई स्वात से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई गिलगित से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, स्पेशली जस्ट टू अपेयर ऑन टीवी और शो देयर टैलेंट. तो ये मैं इसलिए नहीं कि मैं उसमें एज ए होस्ट हूँ, जज हूँ, मगर मैं बोल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लाखों करोड़ों पाकिस्तानी बच्चे बच्चियों को एक उनके दिल में उम्मीद की किरण पैदा की है. एंड हैट्स ऑफ टू देम. जबरदस्त. एंड ऑफ कोर्स जो हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, शेख साहब इज ऑलवेज एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ टैलेंट इन फिल्म्स आल्सो. और जब भी इन्होंने काम किया, नए लड़के लड़कियों को लेकर के भी आया, उनको स्टार भी बनाया और उनके साथ काम करते भी रहे, और अब भी एक सिलसिला जारी. सना, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन दीस डेज? वेल, आई एम डूइंग एंड आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट डायनामिक. आई एम नॉट वर्किंग एज एन एक्टर ओनली. आई थिंक बीइंग एन एक्टर, व्हेन यू वर्क आफ्टर सम टाइम, तो आपको कुछ चीज़ें न्यू एक्सपेरिमेंट करने चाहिए. एज आई एम लाइक यू नो पार्ट ऑफ हार्ले ग्रुप, हार्ले डेविडसन ग्रुप, दैट आई एम अ फर्स्ट सेलिब्रिटी female biker in Harley Davidson. Yes, I have that guts. Zabardast. Aur main jo gymming ke videos dekhta hu na Sana ke, yaar tab to ye ladkon ko sharam aane lag padti ki yaar ye aisi kya kalabaziyan, kya gymnastic kar rahi hoti hai, pata nahi kaun kaun sa weight. Achha, pata hai tumhe, ek do tumhare sath jo share karti na gym mein, unhone mujhe bola ki yaar Sana to aise weight uthati hai ki hum sare aadmi aur aurte pareshan hai ki Sana kya, you know, she is very, very determined, you know, it's amazing. No, I think yeah, I'm persistent. आपको बता रही हूँ, मतलब यू गेन अंडरस्टैंड बिकॉज यू एन एक्टर, यू आर दिस फील्ड, बट सो मेनी अदर पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड एंड दे स्टार्ट सेइंग, अरे एक्सरसाइज मर्दों वाला हो जाता है, ये तो मर्दों वाला काम है, और बिल्कुल लड़की को एक्सरसाइज नहीं. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट सेइंग, लेकिन इट्स ओके, दे आर दिस ओपिनियन, एवरीबॉडी इज राइट, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ. लेकिन नाउ पीपल लाइक यू नो टेकिंग इज पॉजिटिव, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि नाउ लोग
Following. Yeah, of course, yes. It's a great example set. आप बहुत अच्छा example set करी लड़कियों के लिए. चलो हम अपने अगले segment की तरफ चलते. शेख साहब, आपने फिल्म किया, थिएटर किया, लॉलीवुड में बहुत काम किया, रेडियो किया, रेडियो किया, फिर आपने टेलीविजन इतना ज्यादा किया, अब अच्छा किया बहुत टेलीविजन, अभी भी कर रहे हैं. मतलब माशाल्लाह, यू've explored every field. आपकी फेवरेट फील्ड कौन सी है? फिल्म. एक्टिंग करना या डायरेक्शन करना? दोनों. दोनों? यस. बेसिकली मैं एक्टर हूँ, मगर डायरेक्शन मेरा पैशन है. यू सी, शौक है मुझे. और 94 से 93 से मैंने कोई तकरीबन 8 फिल्में बनाई और ज़्यादा नहीं बनाई. इंस्पिरेशन कहाँ से लेते थे फिल्म बनाने की? आप देख लो, जो हमारी फिल्म थी जिसमें सना हीरोइन थी, मोमर राना और सलीम शेख, ये दिल आपका हुआ. वी स्टार्टेड शूटिंग इन 2000 और वो फिल्म रिलीज हुई थी 19 जुलाई 2002 को. 2002 यानी कि 17 साल पहले. और पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल फिल्म थी. पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसका प्रीमियर हमने लंदन लेस्टर स्क्वायर में किया. पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसको हमने प्रेसिडेंट हाउस में दो दफा चलाया. पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने उस वक्त 2002 में अभी तक उसका रिकॉर्ड उस हिसाब से. वाज द पायनियर. आई मीन, यू वर द पायनियर एंड दैट फिल्म वाज द लाइक पायनियर. यस. और वो एक साल सिनेमा पे लगी. ऑफ दैट एरा ना. एक साल. जबरदस्त. कमेंडेबल शेख साहब. सो अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये शौक है मुझे. फिर उसके बाद हमने खुले आसमान के नीचे बनाई. उससे पहले मुश्किल थी. पहली दूसरी चीफ साहब थी, फिर यस बॉस थी, फिर मेरी और सना की पहली फिल्म जो मैंने सना को कास्ट किया, दैट वाज मुझे जीने दो. तो वो दैट वाज शॉट इन थाईलैंड. अच्छा, यू डिड नॉट इंट्रोड्यूस सना. ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही फिल्म इंडस्ट्री में, बट ये शी डिडंट कम अप दिस मंथ, जो आपकी फिल्म के बाद आई थिंक वो आई है. यस, है ना? ऐसे सना. यस, एब्सोल्युटली. वो बात ये थी कि सना ने दो तीन पहले फिल्में की थी, सैयद नूर साहब की फिल्म से स्टार्ट किया था. बट पीपल वर नॉट टेकिंग मी सीरियस. बट अनफॉर्चूनेटली व्हाट बोल देना, यही बात थी ना. हैं, मैंने कहा लोग सीरियस नहीं ले रहे थे. हाँ, एग्जैक्टली. आई थिंक इट टेक्स टाइम. नहीं, लोगों ने मुझे कहा जब ये जब हम मुझे जीने तो कर रहे थे, तो जब इसको कास्ट किया मैंने, तो लोगों ने मुझे कहा, पहली बात तो इसको भी यकीन नहीं था. ये जब पहली दफ़ा मेरे पास आई तो कहने लगी कि आर यू श्योर यू आर टेकिंग मी इन योर फिल्म? आई सेड यस, बट डोंट टेल एनीवन. अभी किसी को मत बताना, क्योंकि यहाँ पर काटने वाले बहुत घूम रहे होते हैं स्टूडियो में. सो फिर इसको मैंने बताया कि ये फिल्म है, ये रोल है, और फिर इसका पूरा ढांचा बदला. एंड माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर लाइक दिस, यू नो. हां, शी इज वेरी प्रोग्रेसिव. मेहनत कर, क्योंकि बिकॉज अब मैं देख रहा हूँ कि सना का एक डिफरेंट हमारे लिए पूरा एक चेंज है. क्योंकि फिल्म में इतनी बड़ी बड़ी फिल्म भी करना, लॉलीवुड की फिल्म जब हम उनको बोलते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट एरा की फिल्म्स हैं, कुछ साल पुरानी, अब नई तरह से फिल्में बन रही हैं. आई थिंक आप लोगों ने तो तब भी जो फिल्में बनाई वो उतनी ही मॉडर्न थी जो अब जिस हिसाब से. आई थिंक चेंज ओनली हैपेंस व्हेन यू कीप लुकिंग फॉर दैट. अगर आप चाहते हैं तो आप चेंज करते हैं, वरना चेंज चीजें नहीं होती. बट एज एन एक्टर सना, इतने बड़े स्पेक्ट्रम पे काम करना और फिर उसके बाद कराची शिफ्ट होना एंड देन वर्किंग ऑन टेलीविजन एंड डूइंग ग्रेट कैरेक्टर्स ऑल्सो, जिस तरह अलिफ अला इंसान एक कैरेक्टर था, उस तरह मैंने और एक दो प्लेज आपके देखे जिसमें कैरेक्टर्स कर रहे हो. और कैरेक्टर जो वो टेलीविजन में बड़ा ज़रूरी होता है करना एज एन एक्टर, अपने आप को मनवाने के लिए. सिर्फ आप ग्लैमर में सारी जिंदगी यू कांट लिव. तो ये इवॉल्व कैसे किया? लुक, आई वांट टू शेयर दिस, जो मेरा अपना व्यू है इसके लिए, बिकॉज आई एम इन दैट फेज. कैरेक्टर या आप जिसकी भी बात करें, कोई भी, व्हाटएवर, आई एम पार्ट ऑफ दैट. मैं कुछ भी करती हूँ, आई एम नॉट दैट इन दैट फेज के थिंग्स मेक मी. समटाइम आई गेट अ चांस टू मेक थिंग्स. सो लाइक यू नो, जो भी चीज़ें करती हूँ, मेरे पास एक होता है मार्जिन होता है. इफ़ आई गिव 100%, आई ट्राई टू लाइक ऑलवेज, जो भी आपने सीखा होता है, दैट्स हाउ आई प्रोसेस टू लाइक. तो वो आप करते हैं, तो आई गेस के मुझे कैरेक्टर और वो चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है. Rather than you know to stick to one thing, typical, and you know you look for and अपने आप को भी एक ही जगह देखते रहना, then आप you also like you get bored. Then you लोग भी bored हो जाते हैं, आप खुद भी bored हो जाते हैं. सना, you can't survive then. Yes. बात ये है, जब तक आप अपने आप को
characters mein change nahi denge. It's a, again, it's a challenge. Yes, yes. Ki aap usme bhi stand out karte hain. Haan, bilkul. You know, when you stand out, so that's your achievement. Sahi. Acha, ek cheez, Sheikh sahab, main aap se zarur poochna chahta hoon. You, mashallah, have a wonderful family because I know Momal, I know Shahzad, everyone. Zabardast, mashallah, bachche bhi hain. तो फैमिली को टाइम देना मेरे ग्रुप में बाइकर है हाँ बाइकर है बच्चों को टाइम देना और इतना काम भी करना किस तरह बैलेंस कर लेते हैं आप यार ऐसा मैंने अपनी लाइफ के बॉक्सेस बनाए हैं मिसाल के तौर पे एक बॉक्स जो है वो मेरे अपने लिए है एक बॉक्स मेरा जो रिलीजियसली जो मैं करता हूँ वो है ठीक है एक बॉक्स जो है वो मेरा फैमिली का है एक बॉक्स मेरा दोस्तों का है एक बॉक्स मेरा जो है काम करने वाले लोगों से और एक बॉक्स जो है वो मैं रफाई काम जो करता हूँ तो सबको मैं बैलेंस लेके चलता हूँ ये नहीं करता कि मैंने अपनी लाइफ को ज़्यादा टाइम दे दिया और फैमिली लाइफ को नहीं दिया तो फैमिली लाइफ को भी उतना ही टाइम देता हूँ जितना उनको चाहिए होता है मैं फैमिली में से कहीं भी कभी भी उनको मेरी ज़रूरत होती है तो आई एम देयर I'm there. मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर शहजाद ने कुछ कहा कि आज हमने डिनर करना है या आज मेरे दोस्त आ रहे हैं या मोमल ने कहा तो मैंने ये नहीं किया कि सॉरी मैं आई एम बिजी यू नो तो उस वजह से वो जो बॉक्सेस हैं उनको मैं सही तरीके से लेके चलता हूँ तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई माशाल्लाह मैं लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ बिकॉज माई किड्स गो इन द स्कूल जहाँ पे शहजाद के बच्चे जाते हैं और शहरोज के भी स्पोर्ट्स डे पे मैं जब भी गया हूँ तो मैंने शेख साहब को और बहरोज भाई को इकट्ठे देखा है कि बच्चों को बकअप करने के लिए उनको बहरोज अंकल तो छोड़ने भी आते हैं बच्चों को अपने खुद ड्रॉप करते हैं सो इट्स अमेजिंग हाउ दीज पीपल यू नो गिव टाइम टू द फील्ड एज वेल एंटरटेन भी करते हैं उसके साथ फैमिली को भी साथ लेकर चलते हैं सना यू आर अ मैरिड वुमन माशाल्लाह यू हैव टू किड्स और बड़ा रेयर होता है कि कोई एक्ट्रेस जो है वो अक्सर हमने देखा है कि वो कहती है कि अब मैंने शादी कर ली है तो अब मैं 100% वहीं पे टाइम देना चाह रही हूँ बट इन वेरी रेयर के यू आर वर्किंग इन फिल्म्स टेलीविजन एंड यू आर वर्किंग हार्ड यू आर रेजिंग योर किड्स बच्चे भी हैं स्कूल भी जा रहे हैं खावन भी शोहर भी खुश हैं और सब कुछ चल रहा है ये कैसे मैनेज करती है आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टू कीप अ बैलेंस एंड दैट आई फॉलो बट अगर उसे वैसे बोलें तो मैंने बिल्कुल टाइम दिया है I took a year, I think more than a year. I took a year to off and I was not working. When I, you know, feel like doing because acting is something, you know, मैं अपने आप को इससे अलग नहीं समझती. That's something like, you know. It's part of your life. Yeah, that's my passion. And ऐसे ही है जैसे एक teacher होती है, एक doctor होती है. When she married, that's my job as well, you see. And मेरे उसके connection है, you see. तो वो क्या करती है शादी के बाद कुछ टाइम ऑफ लेती है एंड देन स्टार्ट वर्किंग अगेन सो आई मेनी अदर वुमन जो काम करती है वर्किंग सो आई कंटिन्यू हाँ ये जरूरी है जो कि एक मिसकंसेप्शन है बीइंग अ ह्यूमन हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड विच इज लाइक योर लाइफ पार्टनर योर फैमिली एंड वो आप उसको बैलेंस अगर रखना जानते हैं ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग दो एक चैलेंजिंग होती है लाइफ आपकी हर एक्टर की लाइफ होती है तो मेरी भी है तो that I'm ready to face challenges you can okay, wonderful face karne ki zibaadat to bade strength hoti hai actors mein kyunki aaj kal to jo ye naya trend chala hai social media pe trolling bhi ho jati hai bahut bahut cheezon pe to wo facing a lot of criticism is part of our lives zindagi mein agar koi scandal bane usko kaise face kiya dekho at times aapko lagta hai bura thoda sa theek hai na ab to it's very normal and common people trolls us and it each and every single day we get criticized so wo ek part of life ho gaya but I take it always positive and I think that I don't care what people think about me what matter to me is what I think myself so I think very positive I don't think and I even think more than that what I look I think more than what I am as an actor I feel myself more than that so ki main progress karu to mere liye wo zyada important hai to main usko एक यू नो द पर्सन हू सिटिंग बिहाइंड द कंप्यूटर कांट चेंज माय लाइफ कांट चेंज माय यू नो वे ऑफ लाइफ वेरी वेरी वंडरफुल दिस ग्रेट आई थिंक दैट्स माय अप्रोच दैट्स व्हाट आई थिंक तो बिल्कुल शेख साहब माशाल्लाह इतना लंबा करियर और हम कब से आपको भी देख रहे हैं काम करेंगे बेशुमार स्कैंडल्स बने भी
उनको कैसे हैंडल किया आपने? और मुझे बहुत दफा ऐसा लगा कि जिस तरह मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो सर्टन पेयर्स बने हुए थे, जैसे रीमा और शान का एक पेयर बना, लोगों ने बहुत पसंद किया. फिर रीमा बाबर का पेयर बना, लोगों ने बहुत पसंद किया. रेशम और अरबाज का शायद बना, बहुत पसंद किया. मीरा साउथ का पेयर. तो पुराना आप फिल्में में देखते हैं तो नदीम साहब और बाबरा का पेयर बना, फिर जेबा मोहम्मद अली साहब का पेयर बना, संतोष दर्पण साहब का. यू हैड दी स्पेल्स ऑफ पेयर्स दैट वर वेरी 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 पॉपुलर विद यू. तो कभी कभी लोग जब किसी को एक दूसरे के साथ ज़्यादा बैठे हुए देखते हैं या बातचीत है तो लोग थोड़ा सा उस पर गलत वो उनका एक इमेज बनता है या स्कैंडल बना लेते हैं और हर बात को एक्सप्लेन नहीं इंसान करना चाहता. लेकिन आप इनको हैंडल कैसे किया? नहीं, मैंने देखे ये तो बात तो सही है कि इसको बात हैंडल करने की होती है कि आप कैसे हैंडल करते हो. तो हमेशा पॉजिटिव वे में हैंडल करना चाहिए. और क्रिटिसिज्म जो है वो तो इस फील्ड में तो 100% है. जैसे अभी बता रहे थे कि सना जाती है जिम में और ये ऐसे करती है, लोग इसको कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, ये है. तो मगर अपने जो काम है उसको अधूरा नहीं छोड़ना, उस पर लगे रहने चाहिए, क्योंकि लोग कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं होते. सही है. तो इसलिए अफेक्ट नहीं करना चाहिए आप. बिल्कुल, मतलब इंसान लगा रहना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए. सही, ठीक है, टेंशन नहीं. फॉर दैट टाइम बीइंग इट टेक्स फ्यू सेकंड, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है आखिर. फ्यू सेकंड आपको चीजें अफेक्ट करती है लिटिल बिट, लेकिन अपने अंदर से अपनी सोल को इतना स्ट्रांग रखना है कि ठीक है, इट्स फाइन, ये भी हो सकता है. और वैसे भी मैं एक चीज बताऊं, ये जो क्रिटिसिज्म होता है दैट मेक्स यू स्ट्रांग. हाउ? यू डोंट वांट टू, यू नो, डोंट, यू शुड नॉट इवन पुट योरसेल्फ ऑल द वेज इन हेवन. ओह, आई एम सो परफेक्ट. समटाइम ये चीजें जरूरी होती हैं. आपको रियलिटी चेक होती है, रियलिटी चेक हो जाता है. यस, दैट मेक्स यू स्ट्रांग एज अ पर्सन. आई एम टेलिंग यू, शेख साहब, फेवरेट हीरो गेट क्रिटिसाइज लड़कियों के साथ काम किया. ये नहीं, मतलब मैं इसलिए नहीं पूछा, सना साथ बैठे, आप जरूरी नहीं कि आप सना का नाम है. आपकी फेवरेट हीरोइन पास से लेके अब तक, आपको क्या लगता है कि ये वाली हीरोइन थी जो वाकई एक टॉप नॉच में यार था? लीली. रियली? यस, वंडरफुल एक्ट्रेस. और शेख साहब, मैं जब आपकी और नीली की जब केमिस्ट्री देखता हूँ फिल्म में, अभी भी ऑब्वियसली लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तो एक अमेजिंग केमिस्ट्री थी. yes. आपने उनको डायरेक्ट भी किया फिल्म में? जी हाँ, मेरी पहली फिल्म. और वो वैसे मुझे इसलिए पसंद कर रहे थे बिकॉज मैं नीली जैसी लगती थी ना. अच्छा, ये तो आज पता चला है. अच्छा, बता किस एंगल से नीली जैसी लगती हूँ, मुझे तो कभी नहीं लगी. और शेख साहब, आप, मैंने सुना अपनी हीरोइंस को जो है वो जब आप कास्ट करते हैं तो उनको कपड़े और जूते और बाल और उनकी ज्वेलरी हर चीज पे आपका फोकस होता गवा है. जी जी, आई हैव लर्नड अ लॉट. मुझे यानी कि लड़कियों के कुछ नहीं पता था कि मतलब क्या पहन, और पहनने के साथ क्या जूता होना चाहिए. लाइक इट्स नॉट इनफ कि आपने क्या पहनना है. कई दफा लोग ने बहुत कुछ अच्छा पहना होता है बट साथ में राइट शूज नहीं होते. ये शेख साहब बताते थे. यस, सब सब हीरोइंस को बताया आपने? एब्सोल्युटली एवरी हीरोइन. साड़ी भी जो पहन रही वो भी साड़ी मेरे हिसाब से पहननी है, जूता मेरे हिसाब से पहनना है, नेल पॉलिश मेरे हिसाब से लगनी है. You see? फिर तो लिपस्टिक भी आपके हिसाब से लगती है. ये तो that comes first. और बाल, अच्छा, that comes first. और बाल, मेरे बाल भी, बाल भी. शेख साहब की फिल्म में रेड लिपस्टिक होती है. अच्छा, नो मैटर वो नीली हो या सना हो, वो मीरा हो, रेड लिपस्टिक इज मस्ट. ही लव. आप कभी मीरा से भी पूछे तो वो भी ये भी यही कहेगी. ही जस्ट लव रेड लिपस्टिक. वंडरफुल जनाब, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग. तो पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि एक्टिंग कौन करेगा और बूझेगा कौन. शेख साहब, पहले आप एक्टिंग करना पसंद करेंगे या सना पहले आप एक्टिंग करना? नहीं, दोनों को करना है कि एक ही को करनी है? एक एक करके बारी बारी. आप तीन करेंगे, फिर आप तीन करेंगे. ठीक है, जिसको मर्जी करा दे. बताइए, डिसाइड. लेडीज फर्स्ट. यस, कम ऑन सना. यस, कम ऑन नाउ, गो देयर एंड एक्ट. अच्छा, मुहावरा है, कोई गाना हो सकता है, कोई ऐसा नाम हो सकता है. मुश्किल तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत आसान है. हाँ, एक्टिंग कर लेंगे. अच्छा, ओके, कूल. ओके, ग्रेट. नंबर 7. ओके, इज इट अ सॉन्ग आल्सो? गाना है, पंजाबी है, पुरानी फिल्म का है. ओके, तो इतना बता दो कि तू गाना ही बता दो. फिर गाना है पंजाबी है पुरानी, ऐसे कैसे है? हां, ये क्या इतने गाने हैं? इतना तो बता, गाना एक्ट करेगी तो पता चलेगा ना आपको एक्टर. चलो ठीक है, बता दिया. ओके, अब तो आप पूछते जाए ना. लव्स बोलने क्या है? दिल. मैं ऐसा ही कि उसको पंजाबी में कर दे. पंजाबी में कर दे. दिल पंजाबी में कर देना.
अरे ये है कह रही है साढ़े साढ़े नाल रबोगे ये तो ऐश करो लिप सिंकिंग हो रही है अरे चल लिप सिंकिंग करो लिप सिंकिंग ओके ही गेस्ट इट राइट इसमें भी ठीक है नेक्स्ट नंबर चूज करें मतलब अब इतना तो दे दो ना हाँ बिल्कुल सही है नंबर वन नंबर वन ओके फाइन अच्छा क्या है फिल्म है डायलॉग है डायलॉग ओके कितने लोग हाँ हाँ नहीं उर्दू में कितने तो सही है कितने सही है उर्दू में कितने बिल्कुल सही कितने लोग हो तुम करीब मुझे लग रहा है ये शोले डायला वो अमजद खान वाला बोले 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 हाँ कितने आदमी ऐसी जुरत नहीं कर सकते ठीक है ना शेख सब को हरा नहीं सकते नाइन ओके नाइन ये सबसे मुश्किल है ठीक है अच्छा ये फिल्म है आई नो ओके डायलॉग है नो गाना है नो शेर है नो तो फिर क्या किसी का नाम है अच्छा नाम जिसको बहुत अच्छी तरह जानते अच्छा नाम है एक्टर का नाम जी पाकिस्तानी एक्टर जी ओके फिल्मी एक्टर और टेलीविजन एक्टर बोथ है बोथ अच्छा ओके आपके अच्छा मरीना खान एक अच्छा बैरो सब्जवारी ये देखिए ओके ये देखिए बता दिया आपको मेरे लिए was really thank you Sana very well played because acting करना ये मुश्किल था शेख साहब बड़ा आपने आपके लिए भी मुश्किल था ये आपने मुझे कहा आसान अब आप जाएंगे और आप एक्टिंग करेंगे और सना अब ये तीन नंबर जो मैंने किए इनको निकल गया अब उसके अलावा ये चूज करेंगे अच्छा हो भी सकता है आप भी 17 नहीं नहीं 179 हो गया ये नहीं बोल रहा हो भी सकता है डजंट मैटर नहीं हो सकता पता लग चुका ओके कहने में क्या आ चले बिस्मिल्लाह नंबर 3 नंबर 3 ओके ओके फिल्म है नहीं एक्टर नो डायलॉग नो गाना यस ओके पाकिस्तानी फिल्म यस मेरी फिल्म नहीं नो मशहूर फिल्म यस कोई खास उसका स्टेप कोई मशहूर है तो वो बताएं यस करके ऐसे थोड़ा सा बता दो बड़ा पॉपुलर पॉपुलर हाँ पॉपुलर करेक्ट उस उसका एक पियानो तो मशहूर है हाँ यस दिल हो गया है तेरा दीवाना अभी शेख साहब सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं वेरी गुड हाँ वो पियानो जब आया ना तो तुमने हालांकि शेख साहब तकरीबन हर फिल्म में पियानो का एक गाना जरूर होता था हाँ हाँ पियानो वाला एक गाना ओके नेक्स्ट एक टिपिकल पियानो होते थे ना बड़े बड़े ऐसे पियानो उसमें हीरोइन वहां से साइड से देख रही है हीरो वो लगा यू नो वो ये वैसा नहीं था नहीं वैसा नहीं था ये तो खैर है ऑफ कोर्स इट वाज वंडरफुल अच्छा जी अगला नंबर बताइए क्या है सना ओके नंबर नंबर 5 ओके यस ओके फिल्म नो गाना यस गाना उर्दू पंजाबी दोनों नहीं है दोनों नहीं है पश्तो का है इंग्लिश का है और ये चलो इतना बता देता हूँ कि ये गाना इंग्लिश का है बहुत पॉपुलर हुआ था और ये गाना फारिस से एक कंट्री है उसका गाना स्टेप करके बताना पता लग जाएगा ये देखिए ऐसे Gangnam Style. Wow. Yeah. Very good यार. Good यार. बड़ी. Very good. Very good. शेख साहब आप मतलब क्या Far East और क्या सब कुछ तो बता दिया था. नहीं यार मगर यार इतने गाने हैं वहाँ पे. आप सिर्फ ये करते तो पता लग जाता. तुम help कर रहे हो. बिल्कुल सही कोई इतना नहीं था. सब कुछ देख के आए थे सीधे मैं बताया. बहुत मुश्किल था. Yes. बहुत मुश्किल था. Okay. Now कौन सा number नहीं हुआ? वो कह रहे ना? ये है ना सारे. ये नहीं हुआ ना? Eight number. Eight. Number eight. ओके यस ओके गाना ये गाना गाना भी है गाना भी है यस फिल्म का और टाइटल सॉन्ग दैट्स व्हाट इट इज ना आपने बोला फिल्म का है गाना भी है फिल्म का है मेरा है नहीं
और ये ऐसा ऐसा ना जो गाना भी यूज होता है, कई जगहों पर डायलॉग कितना भी यूज हुआ है। Okay. ये एक मशहूर फ्रेज पॉपुलर था और आज भी लोगों को याद है, इतना बता दे। ओके, पुराना है। हाँ, काफी पुराना है। ओके, शेख साहब घूम के भी दिखाना थोड़ा सा। हाँ ये हर जगह अगर शीशे लगे हो तो लगता कि बस वो ही घूम रही है, शीशे समझ जाओ घूमना। हाँ, अरे ये तो नहीं, शीशे पुराना गाना, बहुत पॉपुलर, बहुत बड़ी फिल्म थी। अच्छा। और उसका गाना है और बड़ी मशहूर एक्ट्रेस इसमें थी। और चलो ये भी बता देता हूँ कि ये पाकिस्तानी नहीं, ताकि आप इधर आप बॉर्डर के उस तरफ चली जाए ताकि थोड़ा आसान हो आपको समझना। अच्छा, वो लाहौर में एक बाजार अनारकली का गाना क्या था उसका? अनारकली का गाना क्या था? गाना जब प्यार किया तो डरना, इससे ज्यादा और क्या? ये अनार मुगले आजम का गाना है ना। और तो गाना नहीं ज़हन में आ रहा था ना यार, ये अनारकली का थोड़ी है। हाँ, तो शहजादा सलीम और अनारकली तो वो मधुबाला वाली फिल्म वो नहीं थी? जब प्यार किया तो डरना, तो मुगले आजम का गाना ना है। मुगले आजम, मुगले आजम। हाँ, तो अनारकली उस कैरेक्टर का नाम था ना। अच्छा, कैरेक्टर मैंने समझा फिल्म का नाम कह रहे क्या अनारकली, क्योंकि हमारी फिल्म एक अनारकली थी ना। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए मैंने बूझ लिया, शेख साहब बूझ लिया इन्होंने। इतना कुछ इनको बताया है, अनारकली बता दिया, गंगम स्टाइल का फारिस बता दिया। नहीं नहीं, वो तो नहीं, उसने फिर भी बहुत हेल्प किया यार। हम दोनों ने हेल्प किया तुम्हारे लिए ज्यादा। हम दोनों ने खुद दोस्तों, प्लीज ऐसे करो। वेरी वंडरफुल, आज एक कम है आई, प्लीज बैठिए। और जनाब ये जबरदस्त अमेजिंग सेगमेंट, ये सेगमेंट होता है जस्ट टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद द ऑडियंस। पीपल लव वाचिंग यू गाइस यू नो डूइंग रैंडम थिंग्स जो जनरली नहीं देख पाते। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ से। लेजेंडरी एक्टर जावेद शेख की एक्टिंग ज्यादा मजेदार है या उनकी आवाज? एक्टिंग, आवाज ज्यादा अच्छी है। हाँ, उनकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी है, उनकी आवाज अच्छी है। आप जावेद शेख को किस बॉलीवुड हीरोइन के साथ मूवी में देखना चाहेंगे? करीना कपूर, रेखा, कैटरीना कैफ, हेमा मालिनी। क्या जावेद शेख जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट किसी भी मूवी के लिए कामयाबी की जमानत है? बिल्कुल है, क्योंकि एक सीनियर एक्टर है वो, और उसके अलावा उनकी एक्टिंग बहुत मैटर करती है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, हो सकती है। जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी में ज्यादा अच्छा अदाकार कौन है? जावेद शेख। मेरे ख्याल से जावेद शेख। जावेद शेख साहब, कॉमेडी के लिहाज से देखा जाए तो बहरोज सब्जवारी, लेकिन एक सीरियस एक्टिंग के लिहाज से जावेद शेख। अगर जावेद शेख साहब एक्टिंग स्कूल खोलें तो क्या इस इंडस्ट्री को फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। होगा इंशाल्लाह। सना फखर आपको ज्यादा पसंद ड्रामों में है या मूवीज में? मूवीज में ज्यादा बेहतर है। सना फखर ड्रामों में, ड्रामों में ज्यादा अच्छी लगती है, ड्रामों में ज्यादा अच्छी है। सना फखर देसी खाने की शौकीन है, उनकी पसंदीदा डिश गैस करें। कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, बिरयानी, बिरयानी। सना फखर ने हैरत अंगेज हद तक अपना वजन घटा कर सबको हैरान कर दिया है, आखिर उनकी फिटनेस का राज क्या है? वर्कआउट, डाइट, डाइट यार, होगा कोई इनका सीक्रेट सीन। या सना फखर की तरह हम सबको भी हेल्थ और फिटनेस कॉन्शियस होना चाहिए? ऑब्वियसली सबको होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए। सना फखर आपको सीरियस सीरियल में ज्यादा अच्छी लगती है या सिटकॉम्स में? दोनों में। सीरियल्स में। शेख साहब, ये जब लोग आपको इतना प्यार करते हैं और इतना पसंद करते हैं, तो आप अपने फैंस की बातों को कभी सीरियस भी लेते हैं? मतलब इस सेंस में सीरियस, क्योंकि हम वी ऑल रिस्पेक्ट देम, आई नो कि आपसे कोई मिलने आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप बहुत इज्जत देते हैं लोगों को, लेकिन कभी कोई मशवरा किसी ने दिया कि आप इस फिल्म में यूँ करें या आप यूँ करें, तो ये हुआ कभी? नहीं, देखो मशवरा लेना बुरी बात नहीं है, कोई भी इंसान अच्छी बात कर सकता है, तो मशवरा लेना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना, जो मेरा लड़का है रियाज, मैं उससे बड़ा मशवरा लेता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, यू नो हिम, सो ऐसी बात नहीं। मगर सामने वाले को थोड़ी सी अकल होनी चाहिए, बिल्कुल, कि वो कहाँ बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी हैं जो वाकई बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बड़े भोंडे किस्म की बात कर देते हैं। यस, तो वो उनका मशवरा नहीं मानता, मगर उनका मशवरा मानता कोई भी हो,
कोई भी मेरे पास आ सकता है और मुझे मशवरा दे सकता है, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। मैं यानी कि जब फिल्म की शूट कर रहा होता हूँ, जब हम शूट कर रहे होते हैं, तो मेरे असिस्टेंट, मेरा लाइट मैन, मेरा कैमरामैन, कोई भी आके डिस्कस कर सकता है मुझसे कि ये नहीं है कि जावेद शेख ने जो कह दिया वो पत्थर पे लिखी है। राइट, मतलब आप एक ओपन मतलब माइंडेड होकर आप दूसरे लोगों को भी चांस देते हैं कि वो भी कोई बात करे। yes. और उसकी बात सुनी जा सकती है अगर वो एक अच्छी बात बता रहा है तो। yes. कैन बी। yes. ठीक है सना, कभी ऐसा हुआ क्योंकि बिकॉज नाउ यू आर मैरिड, लेकिन पुरानी बात कर रहा हूँ, कि कभी कोई फैन ने कहा बस मुझसे आप शादी करो पीछे पड़ जाओ? अभी भी कहते हैं अभी तो उनको ये पता डोंट दे नो कि यू आर मैरिड। एंड आई सेड ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस। अच्छा फखर कैसे रिएक्ट करता है अगर ऐसा कभी हो जाए? ही इज स्टिल लाइक मी। अच्छा वो मतलब उसको पता है ये मजाक ही कर रहा है? नो नो, पीपल एक्चुअली डोंट से ऐसे ही, बट दे ना पसंद करते हैं एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स हैं सबको कोई ना कोई यानी फॉलोइंग होती है। इट्स नॉट दैट कि कोई आके आपको कहता है, वो तो वो जो प्रपोज करने वाला और वो तो जैसे वो ईमेल्स करते हैं। हाँ। लोग अभी भी करते हैं। आपने जैसे बोला है कि लोग आके से मुंह पे तो कभी नहीं कोई बोलता आके, आपको भी नहीं कभी कोई बोला। हाँ, लेकिन फखर ने तो बोला, फखर वाज आल्सो योर फैन यार, मतलब ही वाज एन एक्टर। बड़ी और वो तो अभी तक अभी है। हां हां अभी तक है। हां ये भी जरूरी है। यस वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी था सना का लेना, ये फखर दैट फीलिंग। अच्छा जनाब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और जबरदस्त चर्चा चल रही है, आप देखते रहिए बॉल नाइट्स विद अहसन खान। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं बॉल नाइट्स विद अहसन खान और रैपिड फायर, जो कि आपका एक और फेवरेट सेगमेंट, उसका टाइम हुआ है। जावेद शेख से शुरू करेंगे। शेख साहब आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? यस। ओके जनाब, पहला सवाल शेख साहब से है कि ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, एक्टिंग या डायरेक्शन? एक्टिंग या डायरेक्शन ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है दोनों में से? एक्टिंग। एक्टिंग ज्यादा पैसे कमाते हैं? ऑब्वियसली। रियली शेख? इसलिए इसलिए कि मैं काम इतना ज़्यादा करता हूँ। हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑब्वियस सही है, सही ज़बरदस्त है। अच्छा आप इंजॉय ज़्यादा क्या करते हैं, ये भी बता दीजिए कि एक्टिंग को इंजॉय करते हैं या डायरेक्शन को इंजॉय करते हैं? नहीं मैंने शुरू में पहले भी बताया कि मैं एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है एंड आई लव डूइंग एक्टिंग। डायरेक्शन तो मेरा शौक है, पैशन है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। और मैं जैसे बताया कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, तो कोई ऐसा फ्रेम नहीं है कि मैं अपना फ्रेम बगैर देखे हुए उसको छोड़ दूँ। ओके शेख साहब, मीरा को पहला ब्रेक आपने दिया? नहीं मीरा की पहली फिल्म शायद कुछ और थी, एक्चुअली जो ब्रेक उसको मिला वो मेरी फिल्म से मिला। चीफ साहब नाम मालूम फिल्म उसकी आ चुकी थी। यस शेख साहब, वैसे तो मैंने सोचा था इस शो में बहुत लंबी लिस्ट है इनका पूछना चाहता, लेकिन चलो कैरोलाइन कौन है ये पूछ लेता हूँ। कैरोलाइन मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी जो कि फ्रांस से थी। अच्छा, और शेख साहब जो फ्रेंच आप कभी कभी बोलते हैं उसी ने सिखाई थी आपको? ऑफ कोर्स यस। जरा एक जुमला बोले फ्रेंच में। यू ने पा फ्रांसेज यू पा एंग्ले किसके तू फे मिस्योर तू ए फू। कितने अच्छे नकूश छोड़ के गए शेख साहब, को अभी तक फ्रेंच याद है पूरी। यस यस जबरदस्त जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, ये दिल आपका हुआ से पहले आपको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, कैसा हुआ था? हाँ हाँ, ये दिल आपका हुआ से पहले तो मैं बिल्कुल जीरो था, गाड़ी भी बिक गई थी, सब कुछ हो गया था, फिल्में भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था और लाहौर वाले जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने कहा जावेद शेख फेल हो चुका है, लिहाजा इसको आप सब कहें कि ये वापस कराची चला जाए। आप ये देखें कि जब मैं वो थिएटर कर रहा था, पांच दिन थिएटर किया, छठे दिन एक बंदा बेल्जियम से चलता है और वो लाहौर आता है, और वो लाहौर आके किसी बंदे को कहता है कि मुझे जावेद शेख से मिलना है। वो बंदा मेरे पास लेके आता है थिएटर में और कह रहा है ये इनका नाम खान साहब है और ये चारसद्दा से हैं और ये बड़े बिजनेसमैन हैं बेल्जियम में। तो मैंने कहा भाई फरमाइए क्या है? उसने कहा फिल्म बनानी है। फिल्म बनानी है? कैसी फिल्म बनानी? पैसा एक नहीं है मेरे पास और ये बात हो रही है फिल्म की। मैंने कहा कैसी फिल्म बनानी है? बोला जो फिल्म बनती है कितने की बनती है? मैंने कहा 1 करोड़ की। बोला नहीं 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 1 करोड़ वाली नहीं। मैंने कहा फिर? बोला जैसे वो इंडियन फिल्म होती है। मैंने कहा इंडियन फिल्म होती है? मैंने कहा वो तो 5 करोड़ की बनती है।
अब 2000 में 5 करोड़ की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस बंदे ने कहा कि 5 करोड़ की बस नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ये मजाक कर रहा है, मैंने कहा ये मजाक कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। अब मैंने भी ये कहा, मैंने कहा मैं 25 लाख एज ए एक्टर लूँगा, 25 लाख एज ए डायरेक्टर लूँगा और 50% मेरा इसमें पार्टनरशिप होगा। उसने कहा जी मंजूर है। कहा यार ये तो शायद मुझे नहीं लग रहा कैसा हो। तो 2-3 दिन गुजर गए ऐसा, तो 2-3 दिन गुजर गए मुझे एडवांस नहीं मिला। मैंने कहा यार ये भी वैसे ही है जैसे और कुछ लोग आते। मगर तीसरे दिन मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा भाई अगर वो फिल्म करनी है तो उनको बोलो कि पैसे दे। मैं पीसी लाहौर में वो ठहरे हुए थे, बसंत का जमाना था, तो मैं लाहौर में गया और थिएटर कर रहा था, 2 शो थे उस दिन मेरे। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, वो आए ऊपर पतंग उड़ा रहे थे छत पे, वापस आए कमरे में आए, एक थैला हाथ में पकड़ाया उसमें 5 लाख रुपए और मेरे हाथ में दिए। मेरा हाथ ही कांप रहा था कि ये वाकई ये बात सच हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि मैंने वो फिल्म बनाई 5 करोड़ की 2002 में जो रिलीज हुई, ये दिल आपका हुआ। और वो इंडस्ट्री जो मुझे कह रही थी कि जावेद शेख ख़त्म हो गया, 19 जुलाई को फिल्म लगी, 18 जुलाई को मेरे कमरे के बाहर खड़े हुए थे और वो कह रहे थे सर एक टिकट दे, अच्छा। टिकट दे दे। मगर नहीं, एक बीच में बात, सब ये कह रहे थे कि सुबह 5 करोड़ का जनाजा आएगा, ये वो फवारे में बात कर रहे थे, 5 करोड़ का जनाजा आएगा। हमने कहा ठीक है भाई, ये जनाजा ये कल किसका निकलता है ये तो पता लग जाएगा। और वो ऐसे ही हुआ, जब फिल्म लगी है मैंने किसी को टिकट नहीं दिया, इन्होंने जाके जो 100 रुपये का टिकट था इन्होंने 500 रुपये में ब्लैक खरीदा। 500 रुपये में ब्लैक खरीदने के बाद जब शो पहला ख़त्म हुआ है ये सारे स्टूडियो में आए हैं, फिर वैसे ही फवारे पे खड़े होके उसने कहा यार तू तो कह रहा था जनाजा निकलेगा, तो जनाजा तो साढ़ा निकल गया। हम ना ऐसी फिल्म बना सकते हैं और ना ऐसी जबरदस्त वंडरफुल। और जनाब ये बहुत सी बातें ऐसी थी जो आप जनरली सुनते रहिए और ये बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग भी इन जबरदस्त बातों से। सॉरी नहीं, इट्स वंडरफुल वंडरफुल शेख साहब, ये स्टोरीज बड़ी जरूरी होती हैं। अच्छा जनाब ये बताइए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने के बाद आप बहुत पछताए? नहीं कोई ऐसा नहीं, नहीं है कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसा ठीक है, सभी ठीक है, अच्छे बुरे होते रहते हैं, परफेक्ट होने ठीक है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या काम करते हैं? सुबह उठकर सबसे पहले मैं कलौंजी खाता हूं। अच्छा यस, ये शेख साहब ने आज राज बता दिया अपनी, एक राज, एक ये एक राज है शेख साहब, बाकी राज भी बता दें। अरे वाह, और बहुत है ठीक है, पानी पीना नींबू के साथ, ये है बादाम खाना ठीक है, सुबह फ्रेश फ्रूट खाना, यू नो ये सारी चीजें सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं ये शेख साहब, ये देखिए जबरदस्त है, वेरी नाइस। क्या ये सच है कि रॉन्ग नंबर की शूट में आपने असली कसाई के साथ टाइम गुजारा था सीखने के लिए? हाँ वो हुआ ऐसा कि यासिर नवाज मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि यार ये एक कसाई का रोल है वो आपसे करवाओ। मैंने कहा तुम पागल हो गए, मेरी तुम पर्सनैलिटी देखो, मैं कसाई लगता हूँ और तुम मुझसे ये रोल करवा रहे हो। कह रहा नहीं यार आप करेंगे ये वो। मैंने भी चैलेंज समझ के मैंने कहा अच्छा मैं करूँगा। तो उसको करने के लिए जो कसाई कराची में लैंग्वेज बोलते हैं, तो मुझे सदर में जुबली सिनेमा के पास वो मार्केट है गोश्त की, वहाँ पर जाके मैंने उनको देखा और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है काम में। और शेख साहब एक ही बार गए या बार बार उसके पास? दो चार दफा मैंने बस जो चीज मुझे चाहिए थी वो मिल गई। मिल गई बिल्कुल जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो रोल किया तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया। जबरदस्त है माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा कभी किसी न्यू कमर में अपना अक्स नजर आया, यानी कि आपको लगे कि ये ऐसा है जैसा मैंने काम किया, ये उस तरह का हो सकता है? बहुत से लोग देखता हूँ सेट पे इधर उधर, तो जब कोई अच्छा डीपली काम कर रहा होता है तो मुझे वाकई बहुत अच्छे है लोग, किसी का नाम नहीं लूंगा बट बहुत से लोग हैं जिनको मुझे अच्छा लगता है कि ये कितना इन्वॉल्व हो के। और ऑब्वियसली आपने बहुत लोग इंट्रोड्यूस भी कराए हैं, आप इस फील्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप आगे लेकर के भी आए हैं, ठीक है जनाब। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमेशा आपको याद रहेगा, दिल के बहुत करीब है, जो आपका स्पेशल प्रोजेक्ट है, वो कौन सा? एज ए फिल्म मेकर एज एन एक्टर दोनों, एनीथिंग जो आपको लगता है कि बस ये एक प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब। आई थिंक ये दिल आपका हुआ। It was a challenge. It was a challenge to make that film in that period. कि 2002 में एक ऐसी फिल्म बनाएं जब आपका कोई एक मल्टीप्लेक्स नहीं है, 5 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, इंडस्ट्री के 99% लोग कह रहे हैं कि ये जावेद शेख ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी,
ये 500 रुपये से 5 करोड़ रुपया 50 रुपये का टिकट था, 100 रुपया मैंने किया था क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं खुद ही था, यू सी। तो क्योंकि इतनी महंगी फिल्म ना कोई खरीद सकता था और ना कुछ ऐसा होता, तो वो एक चैलेंज था बहुत बड़ा। और जबकि इंडस्ट्री कह चुकी थी कि जावेद शेख फेल हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया। एंड ट्रेंड सेट भी था वो। यस, ट्रेंड सेट था बिल्कुल, ऑफ कोर्स ट्रेंड सेट। यस ठीक है। शेख साहब, कोई ऐसी चीज जिसके बगैर घर से नहीं निकलते आप? घर से नहीं निकलते मोबाइल के अलावा? नहीं नहीं, मोबाइल तो है ही, मोबाइल के बगैर तो नहीं। और क्या? पानी की बॉटल। ओके, घर से लेके निकलते। यस। शेख साहब, फेवरेट मेल एक्टर, पुराना या नया, कोई जिसको आपको देख के लगो कि ये मेरी इंस्पिरेशन? आई थिंक नदीम साहब। ठीक है, नदीम साहब उनको मैं मानते हैं आपके। Yes. वाकई में वो ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अप्लॉज। अच्छा शेख साहब, कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा कैरेक्टर या आपकी अपना प्रोजेक्ट एज एन एक्टर जिससे आपको लगा हो कि आपको ब्रेक इसने दिया है, ये वो प्रोजेक्ट था जिससे मैं लोगों को नजर आया, आपका कौन सा वो प्रोजेक्ट? ये ऐसे तो बहुत से प्रोजेक्ट है। मे बी करियर के शुरू में कौन सा सादा कर दिया कि वो कोई ऐसा जिससे आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं कि वो सोचना पढ़ना भी मुश्किल हो गया ना। हाँ। और मेरे ख्याल में ये भी हो जाता है sometimes when you doing lot of work तो भूल जाता है कि अभी क्या क्या चल रहा था। बिल्कुल, सब टेलीविजन का तो भी पुराना फेवरेट आप बताएं मेरे, मुझे तो आपके बड़े प्लेज एक दो जो बहुत जबरदस्त प्लेज थे आपके। नहीं, वो अनकही में जो कैरेक्टर था मेरा, अनकही का कैरेक्टर, फराज का जो कैरेक्टर था भाई, वो तो कैरेक्टर ऐसा था कि पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे पागल था। मैं पहली दफा 86 में दिलीप साहब से मिला हूँ, और दिलीप साहब जब मुझे मिले हैं, किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से आए हैं, ये एक्टर हैं, ये सलमा आगा के साथ मैं फिल्म कर रहा था, उनकी वालदा ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो मुझे देख के खड़े हो गए, मुझे गले लगाया, यार इसको तो मैं बहुत अच्छी, दिलीप कुमार कह रहा है और मेरे पाँव काँप रहे हैं कि दिलीप कुमार मुझे कैसे जानता है। तो वो साथ में सायरा बानो बैठी थी, सलमा की वालदा ने पूछा कि भाई कैसे जानते हैं जावेद शेख, मैं भी परेशान, उन्होंने कहा लो हमने इनका अनकही देखा अभी। अनकही 86 में उन्होंने बॉम्बे में स्मगल्ड टेप्स मंगवा के देखा। वंडरफुल, और ये अल्लाह का करम है। सही है, बिल्कुल जबरदस्त। जनाब शेख साहब ने बहुत अच्छा रैपिड फायर खेला, बड़ी डिटेल्स में रैपिड फायर के जवाब दिए और बहुत कुछ सीखा हमने आज, जाना है शेख साहब के बारे में। जनाब आगे बढ़ेंगे। सना, are you ready for the rapid fire? No, अब तो मैं सोने वाली हो गई। थोड़ी देर के बाद आए होंगे, I'm just kidding. Of course. अच्छा, हमेशा चैलेंजेस के लिए कैसे तैयार रहते हो? I'm extremely ambitious. तो मैं हमेशा, I'm always been ready for challenge. अच्छा, जिस तरह अब गानों को criticize at times किया जाता है, item numbers को, एक इसको, when you were in the industry working in that time, और हर फिल्म में बहुत से गानों पे क्रिटिसिज्म मिलता था? कोर्स मिलता था, एंड क्रिटिसिज्म तो हमारे शोबिज़ का हिस्सा है। जो एक्टर, इनफैक्ट जो एक्टर क्रिटिसिज्म फेस कर जाता है, वो एक जो होता है ना, वो एक क्रॉस कर जाता है, वो एक लेवल होते हैं ना हर गेम के, वो एक लेवल होता है, उसके बाद वो क्रॉस कर गया, यू नो, अगर आपको पता चल गया कि क्रिटिसिज्म बस एक टाइम के लिए होता है, उसका कोई ऐसा नहीं, तो Obviously, criticism था और है। कभी ऐसा लगा कि पुराने काम में या किसी पुरानी फिल्म में या कभी अपने करियर के मौके पे कोई ऐसी फिल्म कर ली हो या कोई ऐसा गाना कर लिया हो कि जिस पे बाद में सोचा कि ये मैंने ठीक नहीं किया था? Lot of work. I did not believe and I did it. Because you learn by your mistakes also, na? Yes. ये बहुत सारे काम किए, because obviously यहाँ कोई ऐसा नहीं है, when I started, I was very young and I was still I'm very young. But, you know, that time I was very immature and I was obviously, in my teens. ठीक है? तो जब आप उसमें होते हैं, तो obviously हर काम आपका पहला होता है। बिल्कुल सही है। तो आपको मालूम नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। Times आप randomly आपने कर लिया या जल्दी में कर लिया और वो ठीक नहीं निकला। That's how the process is. Of course, I think सबके साथ। Your favorite male actor? Favorite male actor, co-actor? It could be anybody. पुराना हो सकता है, नया हो सकता है, अभी के हो सकते हैं, पहले के, कोई भी। देखिए, मेरे जितने भी को-स्टार हैं, किसी से मेरा ऐसा तो नहीं रहा कि आई नेवर वांटेड टू वर्क विद देम, सो इट्स नॉट दैट फेवरेटिज्म, लेकिन आई ऑलवेज नहीं, जो काम अच्छा, जिसका आपको लगता हो कि ये एक्टर बहुत अच्छा काम करता है, मैं इनकी बात करूं।
बहुत सारे एक्टर हैं, यू डूइंग सो वेल, लाइक यू नो, अगर शेख साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ही यूज्ड टू बी माय, मतलब हमने एज एन एक्टर भी काम किया है एंड देन एज ए डायरेक्टर तो बहुत ही कुछ सीखा, तो लाइक कह सकते हैं. ठीक है, ओके. फेवरेट एक्ट्रेस, मतलब आज की इस लीग में जो आपके साथ इंडस्ट्री में रही है, उनमें से फेवरेट कौन है? मतलब रीमा भी है, मीरा भी है और बहुत सी और लड़कियां हैं. मैंने मीरा के साथ बहुत ज्यादा काम किया है. आई लव हर एज एन एक्टर बिकॉज़ व्हेन शी कम ऑन स्क्रीन, रेशम भी है इन फैक्ट, शी इज आल्सो, आई लव हर एज एन एक्टर मीरा, मगर हर एक की ना, मतलब सबको एक तरह से, लेकिन किसी की कोई चीज अच्छी लगती है. आई लव ऑलवेज बीन लाइक फॉर रेशम, जो उसका पहनना ओढ़ना था वो मुझे हमेशा से अच्छा लगता था. शी ऑलवेज बीन लाइक बहुत टाइडी सा, एंड द वे रीमा इम्प्रूव एंड टेक अ प्लेस, मैं हमेशा से उसको लुक अप करती हूं. ओके, बारिश में गाना पिक्चराइज कराने का बहुत शौक है. Yes, I love that. Whatever the great memory I have, बारिश के गाने. कितने गाने किए बारिश के? बहुत सारे गाने किए and I loved it. Favorite कौन से बारिश के गाने? पहली ये बरसात में. No. I mean, it was good fun. ये मैं आज ही YouTube पे देखूंगा जाके. Of course, आप देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा. And वो बड़ा, मुझे वो बहुत याद है ना. Every सबके इतने skills नहीं होते कि वो पंजाबी गाना भी कर सके और फिर आके बारिश में अपने आप को ऐसे classy भी दिखा सके. You know, for that you need special talent. ठीक है ना, आप पंजाब, no talent, ये inbuilt and कुछ भी कह ले, ये talent है. क्यों शेख साहब, आप मुझे बताएं, पंजाबी फिल्म में काम करना और उनके मुताबिक काम करना एंड देन अपने आप को उर्दू फिल्म में एडजस्ट करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स नॉट इजी. अच्छा, जो गंडासा पकड़ा हुआ है कुछ फिल्मों में और घोड़ा सवारी, वो क्या ट्रेनिंग नहीं थी बकायदा? बड़ा मुश्किल काम है हॉर्स राइडिंग. साइमा एंड यू, आई सॉ यू, मैंने सना को देखा घोड़ा चलाते हुए, तभी मैं हैरान था कि यार कितना जबरदस्त. मैंने आपको जैसे बताया, ऑलवेज बीन वेरी एंबिशियस. मुझे कोई चीज कोई कहता था ना कि मैं नहीं कर सकती, I start working so hard to prove not to people, to myself. Yes, I can do this. Even अब तक ये है मेरे साथ. तो मैंने सीखा. I was not that time, मैं इतनी कोई expert नहीं थी. But जब मैंने साइमा को देखा या अपने कोई senior actor को देखा, मैंने कहा ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ. तो जैसे मैंने बताया, चीजें बहुत सारी मैंने एक्सपीरियंस की. Obviously inspiration भी होती है, आप दूसरों को देख के सीखते हैं. It's not that कि उसका क्या result होगा, but I did it because I said okay, अगर रीमा कर सकती है तो why not me? स्कूल के वक्त से ये शौक था कि मुझे बड़े होकर मशहूर बनना है, एक्टर बनना है. एक्टर नहीं बनना, मुझे फेमस बनना है, ये था मुझे शौक. आई ऑलवेज वांटेड टू बी फेमस. सो वाज दिस इन योर फैमिली आल्सो कि पीपल वर सपोर्टिव फॉर यू कि एक्ट्रेस बन जाओ? आई यूज्ड टू बी सिंगल पेरेंट बिकॉज़ माय मदर वाज सिंगल, तो मैं शी रेज्ड अप लाइक दैट. तो मेरी सिस्टर एक ड्रामो में काम करती है, फरजाना टीम. यस, लेकिन उसके अलावा मेरी कजन नूर हैं, वो भी काम करती हैं. अच्छा, नूर ने तो आपके बाद ज्वाइन किया शायद? नहीं, शी वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट. अच्छा, यू स्टार्टेड ऑलमोस्ट सेम. वेरी टैलेंटेड है भाई नूर भी, इतनी टैलेंटेड. यू योरसेल्फ वेरी टैलेंटेड. नूर इज माय कजन, फर्स्ट कजन है. तो हमारा ऑलमोस्ट करियर एक साथ ही था. उसने मुझे चांस चाहिए किया था, उसके बाद मेरी फिल्म आई थी. मुझे चांस चाहिए वाज बिफोर दैट. शेख साहब वाज द एक्टर. तो फैमिली सपोर्ट इन द सेंस आप कहें तो यस, अम्मी कंजर्वेटिव ज़रूर थी, लेकिन अम्मी का ये होता था कि बिकॉज वो हमें बहुत सपोर्ट करती थी कि मेरी बेटियाँ जो है वो मेरे बेटे हैं. तो इट इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट. अच्छा, प्रोजेक्ट चूज करते हुए क्या देखती है उसमें? मतलब डू यू सी के मुझे कैरेक्टर क्या मिल रहा है, या डू यू सी के डायरेक्टर कौन है, या पैसे कितने? ऐसा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम की बात होती है. वैन इफ़ यू गो बैक देन आई यूज टू थिंक that I want to come and I want to be part of a big thing and mujhe ye karna hai wo karna hai sara kuch. But if now you ask me, so things are different now. I see myself more refined, more like, you know, I see things which excite me, which something give me challenge. Before I just want to do work no matter how, I need to, you know, get experience. So cheeze change hoti hai time ke sath. Bilkul, aapka time, aapki experience, to aapki priorities bhi change hoti hai to choose a रेशम, साइमा, मीरा एंड रीमा. वंडरफुल, जबरदस्त, वेरी वेल प्लेड जनाब. जोरदार तालियां हम सब की तरफ से जावेद शेख और सना के लिए. दमास का गिफ्ट हैम्पर जाएगा. सना आपको ये रखिए, और शेख साहब ये आपके लिए है गिफ्ट हैम्पर, ये लीजिए जनाब. यहाँ पे एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. बोल नाइट्स विद अहसन खान देख रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा.
जनाब वेलकम बैक बोल नाइट्स विद अहसन खान और मेरे साथ है जावेद शेख और सना। शेख साहब जाने से पहले पहले कोई बात जो लोग आप कहना चाहते हैं? क्या कहूँ मैं, सिर्फ ये कि पाकिस्तान के बारे में बात करूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और बड़ी मुश्किलों से ये मुल्क हमें हासिल हुआ है, तो लिहाजा हम अपने मुल्क के साथ जिस तरह हम अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ मुखलिस होते हैं, अपने मुल्क के साथ भी उतने ही मुखलिस हैं। मिसाल के तौर पे हमें कानून जो है उसका एहतराम करना चाहिए, यानी कि सिग्नल्स पे हम क्या करते हैं कि रेड सिग्नल होता है और गाड़ी गुजार देते हैं, हमें वो करना चाहिए। लाइन लगानी चाहिए कि भाई लाइन में खड़े हो, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही सारी चीज़ें सिखाता है। तो हम वो चीज़ें करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। टैक्स दें, हम टैक्स देते नहीं हैं और हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि लाओ भाई बिजली लाओ पानी लाओ। मेरा मतलब है कि ये ना समझ आने वाली बात है। एज ए इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ घर में बैठ के कि यार 2% पाकिस्तानी टैक्स देता है और डिमांड हमारी 100% एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा। टेलीविजन पे आके ये नारा लगाते रहते हैं यार कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं आ रही। तो भाई जब तुम लोग टैक्स ही नहीं दे रहे, जब टैक्स ही नहीं दे रहे तो हुकूमत चलेगी कैसे और पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? तो लिहाजा मेरी गुजारिश है मेरे हमवतनों से कि वो टैक्स दें, कानून का एहतराम करें और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। वेरी गुड। सना क्या कहना चाहोगी जाते जाते? मैं अपने करियर के हवाले से बात करूंगी दैट यू नो आफ्टर वर्किंग सो मेनी इयर्स व्हाट आई हैव लर्नड के यू नो यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर वर्क एंड नेवर टेक योर वर्क फॉर ग्रांटेड, व्हिच आई हैव सीन पीपल दैट ये दे मतलब कामयाब हो जाते हैं एंड देन यू नो दे बिकम डिफरेंट। सो नेवर टेक दिस वर्क फॉर ग्रांटेड बिकॉज इट्स अ लाइक अ फ्रेजाइल। आप ये मत सोचें बिकॉज व्हेन वी जब काम कर रहे हो तो उसको पता नहीं चलता, बट यू नो इट्स अ जर्नी और आपको इसकी वर्थ समझनी है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त बात। जाते जाते शेख साहब मैं तो चाहूँगा कि आप उस गुनगुनाएं और सना क्या करेंगे जब शेख साहब गुनगुनाएंगे तो इंजॉय। ठीक है, सना इंजॉय करेगी, शेख साहब कुछ गुनगुना दीजिए जनाब। दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। वंडरफुल, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच शेख साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा सना, थैंक यू बहुत, अरसे बाद मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होगी आपके फेवरेट एक्टर से। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बॉल नाइट्स विद अहसन खान। थैंक यू।